Hello students, our today's topic is electric charge and field, chapter 1, physics, part 2, class 12. Before starting electric charge and field, हम थोड़ा सा basic discuss करेंगे कि हम ये charges या इसके बारे में magnetic field के बारे में क्यों जानना चाहते हैं. Physics का जो हमारा basic motto है वो ये है कि जो भी हमारे nature में physical phenomenons होते हैं वो क्यों होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना, चाहे वो किसी चीज़ का ऊपर से नीचे गिरना हो या वो बादलों में बिजली का होना हो, कुछ भी हो, हम नेचर को पढ़ने के लिए फिजिक्स को समझना चाहते हैं. अब हमारे नेचर में चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर. ग्रेविटेशनल फोर्स से आप लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, आपने इलेवेंथ में पूरा इसको डिटेल में पढ़ा है. कैसी नेचर है ग्रेविटेशनल फोर्स की? अट्रैक्टिव नेचर है, ये एक अट्रैक्शन का फोर्स है, ठीक है, अट्रैक्शन देता है ये आपको. वीक फोर्स की नेचर अभी अननोन है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स भी हो सकता है और रिपल्शन का फोर्स भी हो सकता है. न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स है. रेंज क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स की? वेरी लार्ज, ये बड़े बड़े हेवनली बॉडीज के बीच में वर्क करता है. वीक फोर्स स्मॉल रेंज, वीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेरी लार्ज, ये भी हेवनली बॉडीज और लार्ज डिस्टेंसेस पे वर्क करता है. न्यूक्लियर फोर्स वेरी स्मॉल, विद इन द न्यूक्लियस, विद इन न्यूक्लियस. ये आपका जो न्यूक्लियस होता है किसी एटम का, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इसमें जो फोर्स लगता है अट्रैक्शन का, जो इलेक्ट्रॉन को खुद से बाइंड करके रखता है, वो फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स. तो आप इसका रेंज समझिए, एक न्यूक्लियस की जो साइज होती है वो लगभग 10^-15, ये आपकी साइज है एक न्यूक्लियस की साइज जो है. ये ऑब्वियसली बहुत ही स्मॉल रेंज हुई है इसकी. अब अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें कि कौन सा फोर्स कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो सबसे पहले नेचर में जो फोर्स हमारा स्टडी में आया, सबसे पहले एंशिएंट टाइम की अगर बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहले नेचर में आया, तो हम उसको वन यानी कि स्टैंडर्ड मान लेते हैं. और इसके कंपैरिजन में हम देखेंगे कि बाकियों की क्या स्ट्रेंथ है. वीक फोर्स नाम से ज़रूर वीक है, बट स्टिल ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज्यादा है, और वो कितना है, 10^14 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रॉन्गर है, 10^36 टाइम. और वही न्यूक्लियर फोर्स कितना स्ट्रॉन्गर है, 10^39 टाइम्स. यानी कि अगर हम नेचर के चार फंडामेंटल फोर्सेस में ये बात करें कि कौन सा फोर्स सबसे ज्यादा है, तो वो है न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा है. इसीलिए ये कहा जाता है कि हाँ न्यूक्लियर एटम बहुत ही डिस्ट्रक्टिव नेचर है, क्योंकि इसका फोर्स बहुत ज्यादा है. जब भी एक्टिव रेंज में आएगा तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाएगा. सेकेंड नंबर पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. ये हमारे जितने भी नेचर में आजकल चीजें हैं, जैसे हमारा तो कम्युनिकेशन ही पूरा ईएम वेव से हो रहा है, तो वो भी इसी फोर्स को यूज करेगा आगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है वो 10^36 है, वेरी स्ट्रॉन्ग. उसके बाद वीक फोर्स है, और सबसे वीक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है. ठीक है, ये फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो हमारी फिजिक्स के, हमारे नेचर के सभी लॉज को, सभी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं. आप नोट डाउन कर सकते हैं इस टेबल को. इसके बाद अब जो इस चैप्टर में हमें डील करना है, वो हमें डील करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ. हमारा जो एम रहेगा, जो हमारा फोकस रहेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने का रहेगा. ठीक है, देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, मूव ऑन करते हैं. अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वर्ड है, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक इलेक्ट्रिक और दूसरा मैग्नेटिक. अभी तक जो आपने बेसिक पढ़े हैं उसके हिसाब से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग डील किया है. कैसे डील किया है आपने?
चार्ज के बारे में पढ़ा और चार्ज से जुड़ी हुई चीजें आपने करंट वगैरह पढ़ी, पूरा इलेक्ट्रिक पार्ट। आपने मैग्नेट के बारे में पढ़ा, मैग्नेट के बारे में क्या पढ़ा आपने कि मैग्नेट होती है जिसके दो पोल्स होते हैं, सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट, सॉरी सिमिलर पोल रिपेल एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट्स। क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, ये सब आपने पढ़ा, लेकिन आपने इन दोनों का इंटर रिलेशन नहीं पढ़ा। आपने करंट को पढ़ा, आपने मैग्नेट को पढ़ा, अब आपको पढ़ना है इनका इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन क्या है? इंटर रिलेशन ये कहता है, सबसे पहले ऑरेस्टिड ने, आपने क्लास टेंथ में पढ़ा है कि ऑरेस्टिड ने एक बार एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो, तो उनका सेटअप उनका ऐसा कुछ रखा था, बैटरी और एक कंप्लीट पाथ था जिसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा था। एक्सीडेंटली उस सेटअप के पास एक मैग्नेटिक निडल रखी हुई थी, मैग्नेटिक निडल जो कि फ्लक्चुएट करने लगी, ये फ्लक्चुएट करने लगी, हिलने लगी ये निडल। तो मैग्नेटिक निडल कब फ्लक्चुएट करती है? जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो। तो ऑरेस्टेड ने ये सोचा कि यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है सिवाय इसके कि यहां पर जो करंट है वो चेंज हो रही है। तो उन्होंने ये इस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकाला कि अगर करंट चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। किसने निकाला ये? ऑरेस्टेड ने। ऑरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया एक, और ये फाइनली उन्होंने ये कंक्लूड किया कि चेंजिंग करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इसी एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर होके एम्पियर ने सोचा कि अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, तो क्या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है? और उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। तो अब हमारे पास क्या सिनेरियो निकल के आया कि चार्ज अगर चेंज हो रहा है, चेंजिंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए तो ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस साइकिल गोज ऑन, जिसकी वजह से बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या सीखा हमने यहां पे कि चार्ज, जो चार्ज है अगर वो मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा मतलब वेलोसिटी जीरो, चार्ज की बात कर रही हूं, अगर चार्ज की वेलोसिटी जीरो है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज की वेलोसिटी जीरो नहीं है, यानी कि वो मूव कर रहा है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी जीरो नहीं है, यानी कि चार्ज मूव कर रहा है बट कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है, तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। अगर मूव तो कर ही रहा है, वेलोसिटी तो जीरो है ही नहीं, एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है, यानी कि वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा ही, और जो मैग्नेटिक फील्ड करेगा वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं करेगा, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करेगा, जिसकी वजह से फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, फिर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और ईएम वेव बनेगा। ठीक है, हमने शुरुआत की थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक फंडामेंटल फोर्स है, उसको समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो वर्ड से बना है, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। क्या रिलेशन है इसमें? अगर चार्ज सिर्फ स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अगर चार्ज मूव कर रहा है विदाउट एनी एक्सेलरेशन तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा, अगर चार्ज मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव बनाएगा। चेंजिंग करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, एंड दिस साइकिल गोज ऑन, जिससे बनेगा ईएम वेव। ठीक है, तो हमारा जो इस पूरे एंटायर सिलेबस का एम है वो ईएम वेव तक पहुंचने का है। अब ईएम वेव तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमने शुरुआत जहां से की है हमें वहीं से समझना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या समझना होगा? चार्ज को समझना होगा, क्योंकि शुरुआत तो चार्ज से हो रही है ना ईएम वेव की। तो हम चार्ज को देखेंगे और फिर ये सारी चीजें देखेंगे कि अगर वो मूव करेगा तो क्या होगा, स्टेशनरी रहेगा तो क्या होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद चार्ज। व्हाट इज चार्ज?
आप इसको साथ साथ नोट करें, चार्ज कैसे डिफाइन करें चार्ज को? चार्ज इज नथिंग बट, चार्ज इज एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। क्या मतलब हुआ इस बात का? ये एक एटम है और आपने अच्छे से पढ़ा है कि किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटॉन के बराबर होते हैं। एक न्यूट्रल एटम में E इक्वल्स टू पी होता है, न्यूट्रल में, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है लेकिन दोनों बराबर हैं, तो इसे न्यूट्रल कहेंगे। ये बॉडी अभी, ये एटम अभी चार्ज नहीं है। तो चार्ज क्या है? एक्सेस और डेफिशिएंसी, यानी कि अगर E इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम हो जाए किसी भी रीजन से, तो हम उसे क्या कहेंगे? चार्ज्ड बॉडी बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज कैसी होती है? नेगेटिव, यानी कि ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो क्या डेफिनेशन देखी हमने चार्ज की? चार्ज इज एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम में, एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। अगर किसी रीजन से इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो जाए तो बॉडी चार्ज हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए प्रोटॉन से तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए प्रोटॉन से तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब इस चार्ज की पॉजिटिव जो प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं और कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। मैथमेटिकली क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, यानी कि चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। डायमेंशन क्या है इसकी? डायमेंशनल फॉर्मूला आपने 11th में निकालना सीखा है। क्या है डायमेंशन? आई के लिए एम्पियर और टी के लिए टाइम, तो डायमेंशन हो गई एटी। यूनिट क्या है चार्ज की? कूलम्ब। इसके साइंटिस्ट के नाम पे कूलम्ब, रिप्रेजेंट करते हैं कूलम्ब को कैपिटल सी से। कूलम्ब एक बड़ी यूनिट है, तो अगर हम नॉर्मली डील कर रहे हैं करंट से तो हम माइक्रो कूलम्ब या फिर मिली कूलम्ब में बात करेंगे। अगर हमें बहुत ज्यादा चार्ज की बात करनी, बहुत ज्यादा इसमें हम चार्ज की अगर बात करना चाहते हैं, तो एक बड़ी यूनिट और है फेराड। ठीक है, इतने कूलम्ब, this much coulomb equals to 1 farad, here f stands for farad। ठीक है, ये भी एक यूनिट है चार्ज की। डेफिनेशन रिप्रेजेंटेड बाय q, मैथमेटिकली q equals to it, that is charge equals to current into time, dimension at, unit coulomb। प्रैक्टिकली हम जो छोटे मोटे काम के लिए लेंगे माइक्रो कूलम्ब, मिली कूलम्ब, कूलम्ब अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है, और अगर हमें बहुत बड़े चार्ज की बात करनी है तो हम फेराड यूनिट का यूज करते हैं, वेयर 1 फेराड इज इक्वल्स टू 9,65,000 कूलम्ब। अब बात करेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज की। पहली प्रॉपर्टी चार्ज की ये है कि चार्ज दो टाइप का है। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? प्रॉपर्टीज, पहला, इट इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव कब? जब ई ग्रेटर देन पी।
पॉजिटिव कब, जब पी ग्रेटर देन ई। ये हो गई चार्ज की पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज जो है एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर। क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर कहीं पे प्लस 3 कूलम चार्ज है और वहां पर प्लस 2 कूलम चार्ज और आ जाए तो वहां का जो नेट चार्ज है वो प्लस 5 कूलम हो जाएगा। अगर किसी जगह पर प्लस 4 कूलम चार्ज है और वहां पर माइनस 6 कूलम चार्ज और आ जाए तो वहां का नेट चार्ज जो है वो 2 कूलम हो जाएगा। दिस इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज कैसा है, एडिटिव इन नेचर। थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब हुआ, दैट चार्ज इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू एनी, वेयर एन इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किसी एटम से कैसे लूज होगा या गेन होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा या दो होगा या तीन होगा। सेम विद गेन, कभी ऐसा नहीं होगा कि डेढ़ इलेक्ट्रॉन चला गया, ढाई इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या दो के या तीन के या चार के, फ्रैक्शन इसमें नहीं होगा। और इसी चीज को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लो कि दो टाइप का है, एडिटिव है, क्वांटाइजेशन है, एंड देन फोर्थ प्रॉपर्टी। ये आपने नोट डाउन कर लिया, होपफुली आप स्क्रीन को रोक करके अपना नोट डाउन कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। क्या मतलब है इस बात का, नेक्स्ट पॉइंट से इसका मतलब क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आप एक चीज देखें कि जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टिंग बॉडी, उसमें चार्ज जो है वो सरफेस पे रहता है। इसको मैं कितना भी चार्ज दूं, इसकी सरफेस पे ही रहेगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, सिर्फ सरफेस पे रहेगा चार्ज एक कंडक्टर में, अंदर नहीं जाएगा। वही एक नॉन कंडक्टर की अगर मैं बात करूं, तो चार्ज जो है वो थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सरफेस पे नहीं रहेगा। ठीक है, नॉन कंडक्टर में चार्ज बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कंडक्टर में चार्ज सरफेस पर ही रहता है। अब इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। इफ सपोज कोई बच्चा ये कहता है कि मैम हम एक नॉन कंडक्टर ले रहे हैं और हमने ये होलो रखा है, हमने यहाँ पे जगह ही नहीं छोड़ी, मास ही नहीं है यहाँ पे, तो फिर चार्ज कहाँ जाएगा। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, और आपने यहाँ मास छोड़ा नहीं, ये होलो है, इसके लिए चार्ज सरफेस पे ही रहेगा। बट दैट डजंट मीन कि ये कंडक्टर है, ये है नॉन कंडक्टर ही, ये नॉन कंडक्टर है, लेकिन क्योंकि यहाँ चार्ज ही नहीं है, ये होलो है, इसलिए चार्ज की मजबूरी है कि उसको सरफेस पे जगह लेनी पड़ी। तो क्या आप इन पॉइंट्स को अगर हम क्लियर करें, तो एक कंडक्टर में चार्ज सरफेस पर रहेगा हमेशा, चाहे कितना भी हैवी कंडक्टर हो, कोई रॉड हो, हमेशा सरफेस पे रहेगा। एक नॉन कंडक्टर में हमेशा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सरफेस पे नहीं रहेगा। बट अगर आपने एक ऐसा नॉन कंडक्टर बना दिया जो होलो है, उसमें अंदर जगह ही नहीं है, वो सिर्फ एक पाइप की तरह है, तो फिर चार्ज कहाँ जाएगा, तो चार्ज सरफेस पर ही रहेगा। ठीक है, ये इस पॉइंट को वैलिड करता है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट चार्ज की प्रॉपर्टी का, और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं चार्ज में। सिक्स पॉइंट ये है कि चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर अ सिस्टम। चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर अ सिस्टम, दैट इज चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर आपके पास एक एटम है और उसने अपना कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो जरूर किसी ना किसी ने उसको गेन किया होगा।
अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो करके यहाँ चला गया है, तो इस पूरे सिस्टम की अगर हम बात करें तो ना तो इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ है ना डिस्ट्रॉय हुआ है। इसके लिए अगर क्रिएट हुआ है तो इसके लिए डिस्ट्रॉय भी तो हुआ है। तो अगर हम एक एंटायर सिस्टम की बात करें, ये एक सिस्टम है पूरा, तो इसमें ना तो चार्ज क्रिएट हुआ है ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है, बैलेंस रहा है। तो चार्ज इज कंजर्व फॉर अ सिस्टम, ये है चार्ज की सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सेवन्थ प्रॉपर्टी चार्ज की क्या है? डिराइव्ड है ये, चार्ज इज अ डिराइव्ड पैरामीटर। डिराइव्ड पैरामीटर का क्या मतलब हुआ? हमने 11th क्लास में पढ़ा था हमारे पास फंडामेंटल पैरामीटर सेवन ही है। वो फंडामेंटल सेवन पैरामीटर्स क्या है, एक क्विक रिवीजन आप उसका ले लें। मास, टाइम, लेंथ, देन टेम्परेचर, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, एंड करंट। ये सेवन आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इसके अलावा जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सब डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। और चार्ज कैसा है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा? हमने ये देखा कि चार्ज क्या है। चार्ज क्या है? नथिंग बट एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। उसके हमने टोटल सेवन प्रॉपर्टीज देखे हैं। ठीक है, टोटल सेवन प्रॉपर्टीज हमने देखे हैं जो आपको चार्ज के याद रखने हैं। ये प्रॉपर्टीज हमको हेल्प करेंगे आगे चार्ज के बिहेवियर को समझने के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम न्यूट्रल बॉडीज होती हैं सब जगह, हमें किसी चीज को छू के, एटम तो सब में करंट नहीं लगता, तो कोई बॉडी चार्ज कैसे हो जाती है? तो वो देखते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं? मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तीन मेथड है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, इसमें हम थ्री मेथड्स पढ़ने वाले हैं। पहला मेथड हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन, दूसरा मेथड हम पढ़ेंगे कंडक्शन, एंड देन तीसरा मेथड हम पढ़ेंगे इंडक्शन। इंपॉर्टेंट, इंडक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें बहुत जगह यूज करना है और बार बार यूज करना है। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी आपके लिए फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन में बॉडीज फिजिकली कॉन्टैक्ट में होती हैं। जैसे कि क्लाउड चार्जिंग, ये इसका एग्जांपल है। अब होता क्या है फ्रिक्शन में, एक एटम है, आपको ये पता है कि जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। ये दूसरा एटम है, इसके भी इलेक्ट्रॉन लूजली पैक्ड है। ठीक है, समहाउ ये दोनों आपस में टकराए, ये यहां पर आकर आपस में टकराए, जैसे बादल टकराते हैं आपस में हवा की वजह से। तो टकराने की वजह से जो ये लूज इलेक्ट्रॉन थे इसके, वो कहीं ना कहीं रगड़ खा करके इससे टूट करके दूसरे वाले में चले गए। तो अब सीन जो हुआ, इसके दो इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन चले गए इसके पास से, नेगेटिव चार्ज चला गया, तो ये इस पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव तो चला गया ना इसका। अब इसमें नेगेटिव जाने का मतलब है कि इसमें प्रोटॉन ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन से। इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए, गेन करने का क्या मतलब हुआ कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से ज्यादा हो गए, तो इसका चार्ज कैसा हुआ? -2। दो न्यूट्रल बॉडी थी आपस में रब की, फ्रिक्शन, जब दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर रब करती है तभी फ्रिक्शन होता है। आपस में रब की, फ्रिक्शन हुआ, दोनों बॉडीज चार्ज हो गई। ठीक है, पहला पॉइंट चार्जिंग का, फ्रिक्शन
इसमें क्या होगा, आपको क्या एक्सप्लेन करना है? बॉडीज फिजिकल कॉन्टैक्ट में होती है, एग्जाम्पल इसका क्लाउड चार्जिंग है। प्रोसेस क्या है कि दो न्यूट्रल बॉडीज एक दूसरे के साथ रब करेंगी, उस रबिंग की वजह से जो लूजली टाइट इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाएंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, जिसकी वजह से एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और दूसरी बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा मेथड कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है? पहला पॉइंट सेम है, फिजिकल कॉन्टैक्ट कंडक्शन में भी होगा, फिजिकल कॉन्टैक्ट कंडक्शन में भी होगा। ये एक बॉडी है, चार्ज हो सकती है, न्यूट्रल हो सकती है। मैं ये सपोज कर रही हूं कि ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इस पे मैं मानती हूं कि चार्ज क्यू है, कोई क्यू चार्ज मैं इस पे अज्यूम कर रही हूं, और मैं इसको मान रही हूं कि ये न्यूट्रल है। ठीक है, अब मैं इनको कनेक्ट कर दूंगी एक वायर के थ्रू, ये कनेक्शन है, दिस इज वायर। वी नो दैट एवरीथिंग हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल वर्ड के लिए भी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम पोटेंशियल को डील करेंगे। अभी आपके लिए सिर्फ लेवल लैंग्वेज में इतना समझना काफी है कि कोई भी चीज हायर टू लोअर फ्लो करने की टेंडेंसी रखती है। सबसे छोटी चीज, जैसे पानी ऊपर से नीचे फ्लो करने की कोशिश करता है, अगर हम गर्म और ठंडी चीज को मिलाएं तो वो तब तक गर्म चीज ठंडी होती है और ठंडी चीज गर्म होती है जब तक कि वो एक कॉमन टेम्परेचर पर नहीं आ जाती। उसी तरीके से इस पे क्यू चार्ज है और ये न्यूट्रल है और हमने इनको फिजिकली कनेक्ट कर दिया, तो यहां से ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा जब तक कि ये दोनों ही बराबर पोटेंशियल पर ना आ जाएं, जब तक बॉडी ए और बी बराबर पोटेंशियल पर ना आ जाएं, यानी कि जब तक दोनों पे Q/2 चार्ज ना हो तब तक कंडक्शन का प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, कंडक्शन में क्या पॉइंट याद रखेंगे? फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा, बॉडी ए और बॉडी बी तब तक अपना चार्ज एक्सचेंज करते रहेंगे जब तक कि दोनों का चार्ज बराबर ना हो जाए। बराबर चार्ज का मतलब बॉडी आइडेंटिकल है तब। ठीक है, अब हम दो एग्जाम्पल लेकर के इसको क्लियर करते हैं। मैंने बॉडी ए ली जिसपे 50 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, मैंने बॉडी बी ली जिसपे 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज है। बोथ द बॉडीज आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब एक जैसी है, बिल्कुल साइज शेप सब सेम, आइडेंटिकल साइज शेप सब सेम। अगर मैं इनको एक वायर से कनेक्ट कर दूं तो जो रिजल्टिंग बॉडीज बनेंगी उनका क्या चार्ज होगा? टोटल चार्ज कितना है? 50 + 10 = 60। बॉडीज कैसी हैं? आइडेंटिकल, तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? बराबर बराबर, यानी कि 30 माइक्रोकुलाम और 30 माइक्रोकुलाम। ठीक है, अगर बॉडीज आइडेंटिकल हैं तो जो भी टोटल चार्ज है वो दोनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहला एग्जांपल नोट कर लीजिए, ये एग्जांपल वन है। दूसरे एग्जांपल में हम क्या करते हैं, हम बॉडीज आइडेंटिकल नहीं लेते, हम डिफरेंट टाइप की बॉडीज लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हमारे पास हमेशा आइडेंटिकल ही स्फीयर हो। हम ये मान के चलते हैं कि बॉडी ए का जो रेडियस है वो आर है और बॉडी बी का जो रेडियस है वो 2R है। चार्जेस इसका 50 माइक्रोकुलाम और इसका 10 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो अब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किस रेशो में होगा? रेडियस किस रेशो में है? 1:2 में ना, तो चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:2 में। टोटल चार्ज 60, पहले वाले को मिलेगा 1/3, कितना? 20,
और दूसरे वाले को मिलेगा कितना, वन टू आउट ऑफ थ्री ऑफ टोटल चार्ज विच इज 40। यानी कि जो नई बॉडीज बनेंगी वो बनेंगी 20 माइक्रोकुलम और 40 माइक्रोकुलम, बॉडी ए एंड बॉडी बी। तो इस सेकेंड एग्जाम्पल से आपने क्या सीखा कि जो भी रेडियस का रेशियो होगा उसी रेशियो में टोटल चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ये मेथड हो गया कंडक्शन का। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इंडक्शन। इंडक्शन की सबसे खास बात यह है कि बाकी दोनों ही प्रोसेस से अलग इसमें बॉडीज एक्चुअल कॉन्टैक्ट में होती ही नहीं है। क्या होता है इंडक्शन में, बॉडीज आर नॉट इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट, बॉडीज आर नॉट इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट। अब अगर बॉडी एक्चुअल कॉन्टैक्ट में है ही नहीं तो ये चार्ज कैसे हो रही है। लेट सपोज मैंने एक चार्ज बॉडी ली ए, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और मैंने एक न्यूट्रल बॉडी ली बी जिस पर अभी कोई चार्ज नहीं है। बी पर कोई चार्ज नहीं है लेकिन हर एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट तो रहते हैं जो उसको बैलेंस रखते हैं, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। ठीक है, जब मैं बी को ए के पास लाऊंगी, पास लाए हैं कॉन्टैक्ट में नहीं लाए हैं, बी वेरी श्योर अबाउट इट, पास लाए हैं कॉन्टैक्ट में नहीं लाए हैं, ठीक है, तो जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव। तो नेक्स्ट सीन क्या बन जाएगा, नेक्स्ट सीन कुछ ऐसा बन जाएगा कि जो बी है उसका जो चार्ज था वो थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो गया, ऑर्गेनाइज्ड मतलब सारा नेगेटिव इस तरफ अट्रैक्ट होने लगा है, सारा पॉजिटिव दूसरी तरफ रिपेल होके पहुंच गया है। बॉडी अभी भी न्यूट्रल है, चार्ज इसमें जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव अभी भी है, लेकिन नेगेटिव अट्रैक्ट हो गया है पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव रिपेल हो गया है नेगेटिव से दूर। अब हम इस वाली बॉडी की अर्थिंग कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे, अर्थ कर देंगे। ठीक है, ग्राउंड करने से क्या हुआ, अर्थ एक बहुत बड़ा हमारा एक ऐसा पार्ट ऑफ अर्थ को माने बहुत बड़ा जो हर तरह का पोटेंशियल ले रहे हो, उसको कितना भी पॉजिटिव चार्ज दे दो कितना भी नेगेटिव चार्ज दे दो वो न्यूट्रल ही रहने वाला है। ठीक है, हमने अर्थिंग करी, अर्थिंग करते ही ये सारा पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, अर्थ में चला गया, क्योंकि अर्थ को कितना भी चार्ज दे दो वो ले लेगी, बहुत बढ़िया। ठीक है, सारा चार्ज इसने ले लिया, जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज यहां गया हमने उसी वक्त अर्थिंग को हटा दिया। अर्थिंग को हटाने से अब उस पॉजिटिव चार्ज के पास आने की वापस कोई जगह तो बची नहीं, और उसी वक्त हमने इस बॉडी को भी यहां से रिमूव कर दिया, इसको भी ले गए। तो अब इस नेगेटिव को ना यहां कोई अट्रैक्ट कर रहा है ना उस पॉजिटिव के पास वहां से आने का कोई चांस बचा, ये नेगेटिव जो है ये वापस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट द बॉडी, क्योंकि अब यहां से इसको कोई अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है और पॉजिटिव कभी वापस आ नहीं पाएगा क्योंकि वो अर्थ में चला गया। तो वो एक बॉडी जो न्यूट्रल थी वो अब कैसी हो गई है, चार्ज्ड। और कैसी चार्ज हुई है, नेगेटिव। यानी कि इंडक्शन का जो दो मेन पॉइंट निकल के आए, पहला तो ये कि बॉडीज कॉन्टैक्ट में नहीं है, दूसरा पॉइंट ये निकल के आया कि जो चार्ज इंड्यूस करने वाला है और जो इंड्यूस हुआ है ये दोनों हमेशा अपोजिट नेचर के होंगे, यानी कि क्यू इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू माइनस, अपोजिट नेचर की वजह से माइनस लगा रही हूं, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जितना ये पॉजिटिव है उतना ही ये नेगेटिव होगा। क्यू इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू इंड्यूसिंग, जो चार्ज इंड्यूस कर रहा है और जो हो रहा है उन दोनों में क्या रिलेशन है कि उन दोनों का चार्ज मैग्नीट्यूड में बराबर होगा और साइन में अपोजिट होगा। तीसरी चीज जो यहां इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली है, इंडक्शन टेक्स प्लेस, इंडक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन बॉडीज एंड नॉट पॉइंट चार्जेस।
इंडक्शन जो है वो बॉडीज के बीच में होता है, पॉइंट चार्जेस के बीच में नहीं होता। यानी कि जैसे ये बॉडीज थी तो इसमें इंडक्शन हुआ, अगर यहाँ इस बॉडी की वजह जगह एक पॉजिटिव चार्ज होता, सिर्फ एक पॉइंट चार्ज होता, तब भी इंडक्शन हो जाता, क्योंकि जिसको इंड्यूस कर रहे हैं वो तो एक बॉडी है ना। यहां पर अगर चार्ज हो तो चल जाएगा, क्योंकि जो इंड्यूस कर रहे हैं वो तो एक बॉडी है। लेकिन अगर यहां पर भी सिर्फ एक पॉइंट चार्ज हम दे दें कि ये भाई पॉइंट चार्ज है और इसको इंड्यूस कर दो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। पॉइंट चार्ज को हम नहीं मैनिपुलेट कर सकते, मैनिपुलेट करने के लिए हमें एक बॉडी ही चाहिए। ठीक है, ये आपका इंडक्शन का पार्ट हुआ। यहां पर आपका मेथड ऑफ चार्जिंग कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसका लेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।